नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी। आज के वीडियो में लेकर के यूपीएस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपीएस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप यूपीएस एग्जाम में देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुए हैं या नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर आपको लगातार डेली जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जिससे आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो जो यादव शासकों की राजधानी स्थित थी वो देवगिरी में थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसकी आयु ज्ञात की जाती है वार्षिक बलाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो केरल का तट उसे जाना जाता है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भावभूति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? तो इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आयरलैंड एवं इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो जो अंतिम मुगल शासक वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड का स्कंदन या थक्का में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये होती है ब्लड प्लेटलेट्स की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। किस पैमाने पर फॉरनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा प्रसिद्ध है विद्युत ताप के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? तो किसमें किए थे? तो ये किए थे द्वितीय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। फासिज्म के जन्मदाता कौन हैं? तो इसके जन्मदाता हैं मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ वो हैं मंत्रिपरिषद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है? तो इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महासभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सूरज मल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो ये शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन 33 सागर के निष्पक्षों में किस पर्वत का निर्माण हुआ? तो ये तो आप जानते ही हैं किसका निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था हिमालय का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है?
तो कितने प्लान वीक की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोआखली कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी के पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम है उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किसी शिक्षाओं से प्रभावित थी? तो फ्रांसीसी क्रांति किससे प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी रूसों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? तो जो भारत में हरित क्रांति के जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1960 से 70 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है? तो ये होता है 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।